अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, ख्वाबों की ताबीर के आपके फेवरेट चैनल ड्रीमलैंड से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है सपने के अंदर घुटना देखना। अगर कोई व्यक्ति सपने में घुटना देखे तो सपने में घुटने का मतलब अपने रोजगार यानी अपनी आमदन, बिजनेस, जॉब या फाइनेंशियली सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है। अगर कोई व्यक्ति सपने में ये देखे कि उसके घुटने की जो स्किन है वो उतर गई है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी और थोड़े पैसे मिलेंगे। और अगर कोई व्यक्ति सपने में ये देखे कि उसके घुटने की जो स्किन है वो मोटी हो गई है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले की जो स्ट्रगल है वो थोड़ी होगी और रुपया ज्यादा मिलेगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर बॉडी के बगैर दो घुटने देखे, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले का जो रिस्क है, जो रोजी और इनकम है या अर्निंग है, वो यूं समझिए कि ट्रेवल के अंदर सफर में रख दी गई है। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर ये देखे कि उसके दोनों घुटने सही सलामत हैं, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला कोई ऐसा बिजनेस करेगा जिसमें उसको कभी किसी शहर जाना होगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने में दोनों घुटने इकट्ठे देखे, तो इसका मतलब दो भाइयों को देखना होता है। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर अपने घुटनों को सही सालम देखे, अच्छा देखे, तो इसका मतलब पैसा इकट्ठा करना भी है। और अगर कोई व्यक्ति सपने में ये देखे कि उसका घुटना बहुत टाइट हो गया है, हार्ड हो गया है, उससे झुका नहीं जा रहा या काम नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इस व्यक्ति के काम रुक जाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति सपने में ये देखे कि उसके घुटने की स्किन में कोई पस या ब्लड या कोई चीज भर गई है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले को थोड़ी मेहनत पर, थोड़ी स्ट्रगल पर बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। मैं आशा करता हूं कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने। अनुमति चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ।